देख रहे हैं मिडकैप बाजार, दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेकिन उससे ठीक पहले बात करते हैं अदानी ग्रुप की। और अदानी ग्रुप डिफेंस सेक्टर में उतरने की योजना बना रहा है। इसकी कंपनी विदेशों के साथ ज्वाइंट वेंचर करने पर विचार कर रही है। और इनफैक्ट इस पर और जानकारी लेने के लिए मौजूद है केतन हमारे साथ, केतन जोशी मेरे सहयोगी। केतन बताइए एग्जैक्टली क्या खबर है अदानी समूह से जुड़ी हुई आपके पास? डिफेंस सेक्टर में उतरने के लिए कंपनी की क्या कुछ प्लानिंग्स हैं? देखिए, हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड के ऊपर। कंपनी है वो लगभग ये निश्चित माना जा रहा है कि अब वो डिफेंस सेक्टर में आ रही है, क्योंकि अदानी एंटरप्राइज के सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग भारत के सीनियर जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हुई है पिछले ही सप्ताह। और इसमें यह तय किया गया कि वो एक विदेशी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करेंगे, और शुरुआत में ये पूरा कारोबार अदानी एंटरप्राइज के जरिए होगा, और बाद में इसकी एक अलग कंपनी का भी गठन हो सकता है। और शुरुआत में पहले चरण में 5400 करोड़ का निवेश होने की भी संभावना है। और ये संभवित डिफेंस प्लांट है वो कच्छ में लगेगा, जहाँ पर अदानी का सेज है। तो ये एक निश्चित माना जा रहा है कि अदानी अब वो डिफेंस सेक्टर में उतरने की तैयारी कर रहा है, और भारत सरकार के जो डिफेंस सेक्टर है उसके साथ भी कंपनी है वो अभी इसी मुद्दे को लेकर चर्चा कर रही है और फाइनलाइज कर रही है। और मेक इन इंडिया जो नरेंद्र मोदी का सपना है, इसको बढ़ावा देने की भी बात है इस प्लांट के जरिए। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। और कंपनी के सूत्रों ने जो हमें बताया है उसके मुताबिक 2018 के शुरुआत में शायद कंपनी अपना डिफेंस प्लांट का पहला चरण शुरू भी कर दे। जी, तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई यहाँ पर केतन ने। अदानी समूह की डिफेंस में बड़े पैमाने पर उतरने की योजना है, कुछ विदेशी कंपनी के साथ करार कर भी सकती है, और 2018 की शुरुआत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कंपनी शुरू कर सकती है। अदानी एंटरप्राइजेस के जरिए यह पूरा कामकाज होगा। 85 रुपये के स्तर पर अदानी एंटरप्राइजेस अभी ट्रेड कर रहा है, और पूरा ही समूह अगर देखें तो हर नेशन में कामकाज कर रहा है। साथ ही इसके अलावा IDBI बैंक पर भी आपको नजर रखनी है, और स्टेक सेल को लेकर यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हुई है। सरकार अपनी हिस्सेदारी 74% से बढ़ाकर 60% कर सकती है। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी के पास मौजूद भी है। बताइए आलोक, कब तक ये प्रोसेस शुरू हो सकता है और कितना स्टेक सेल करेगी गवर्नमेंट अपना? देखिए, सरकार की तरफ से जो प्रोसेस शुरू किया जाएगा, इसमें ये कहा जा रहा है कि सितंबर तक QIP की प्रक्रिया खत्म कर लेनी है, यानी कि सितंबर तक ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगी। यानी कि सरकार की तरफ से इसमें तेजी आई है, और ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो अभी सरकार का जो स्टेक है 74%, उससे घटाकर 60% करना है QIP के जरिए, और इससे करीब कुल मिलाकर 3700 करोड़ के रुपए के करीब QIP के जरिए बैंक को मिलेंगे। और जो बजट में अनाउंसमेंट किया गया था उसके मुताबिक अगर देखें तो सरकार को तमाम जितने भी सरकारी बैंक हैं उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वगैरह ठीक करने के लिहाज से जो मौजूदा जो स्टेक है उससे घटाकर 50% तक करना है। लेकिन अभी जो पहले चरण में QIP की बात की जा रही है उसमें 60% तक करने की बात है, और आने वाले दिनों में करीब 8000 करोड़ रुपए IDBI बैंक तरह तरह से QIP के जरिए और भी तमाम जरिए इसको जुटाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये पहली प्रक्रिया है, इसमें जो कई सारे जो जिससे बातचीत चल रही है, IFC से बातचीत चल रही है, GIC से बात चल रही है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट एजेंसी, तमाम जो कंपनियां इनसे बातचीत चल रही थी। शुक्रिया आलोक आपका। तो काफी सारे इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं जिनसे बातचीत चल रही है, और सितंबर तक जो स्टेक सेल का प्रोसेस है वो पूरा हो सकता है। नजर रखकर चले IDBI बैंक पर, जो कि भी 4% मजबूत होकर दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है।